हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10 का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, आज हम शब्द ज्ञान से शुरू करते हैं। तो शब्द ज्ञान, विद्वान, विद्वान मीन्स पढ़ा लिखा, इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहते हैं। अगला मीनिंग हमारा चतुराई, यानी कि होशियारी, जिसे क्लेवरनेस कहते हैं इंग्लिश में। अगला है उपस्थित, यानी कि मौजूद, इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। अगला मीनिंग है कुशलता, कुशलता मीन्स चतुराई, जिसे कि परफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। अगला मीनिंग है एहसास, यानी कि अनुभव, जिसे इंग्लिश में फीलिंग कहते हैं। अगला मीनिंग है हमारा सम्मान, इसका मतलब होता है आदर, और इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। तो ये हमारे शब्द ज्ञान हो गए। अब आगे चलते हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का वाला है, अकबर के दरबार में खाली स्थान प्रसिद्ध विद्वान थे। अब खाली स्थान में हमको क्या भरना है, नीचे विकल्प दिए हुए हैं, आ में 7, बा में 8 और सा में 9 और दा में 5, ये हमारे विकल्प दिए हुए हैं। तो हमें इसमें से सा वाला विकल्प यानी कि 9, ये इसमें भरना है, फिल करना है। अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। अब अगला वाला है खा, खाली स्थान होते ही वह अपना इनाम लेने दरबार में आ गया। तो क्या होते ही आया इनाम लेने, तो हमारे विकल्प हैं शाम, सुबह, दोपहर और रात। रात भर तो वो खड़ा रहा था, तो सुबह होते ही वो इनाम लेने दरबार में आया। तो हमको यहाँ पर बा वाला सुबह ये इसमें फिल करना है और इस पर राइट का चिन्ह लगा देना है बा वाले पर। लास्ट है अकबर ने एक खाली स्थान को पता लगाने भेजा। अब विकल्प हैं दरबारी को, सेवक को, नौकर को और मालिक को। तो यहाँ पर हमें नौकर को भेजा था, तो सवाले को चुनना है, इस पर राइट का निशान लगाना और इसमें भर देना है नौकर को पता लगाने भेजा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें इसमें खाली स्थानों को भरना है। तो अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध खाली स्थान थे। तो 9 कौन थे, विद्वान थे। तो इसमें हमको विद्वान भरना है। खवाला है, उन्हें लगा कि यह आदमी खाली स्थान मार रहा है। क्या मार रहा है, डींग। तो इसमें हमको डींग भरना है, डींगे मार रहा है। अब गवाला है, खाली स्थान होते ही वह अपना इनाम लेने दरबार में आ गया। तो सुबह होते ही वह अपना इनाम लेने दरबार में आ गया, इसमें सुबह भरना है। अगला है वह खाली स्थान वहाँ से चला गया, यानी कि चुपचाप वहाँ से चला गया। लास्ट है बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर का खाली स्थान किया। तो क्या किया, स्वागत किया। नंबर 3 है किसने किससे कहा। महाराज का वाला है, मैं यह कर सकता हूँ। तो ये एक आदमी ने राजा से कहा था, तो ये लिखना है यहाँ पर आदमी ने राजा से कहा। खवाला है, मुझे आश्चर्य है कि तुम इतनी ठंड में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे, ये राजा ने कहा था आदमी से। गावाला है, आपके महल में एक दीपक जल रहा था। तो ये आदमी ने राजा से कहा, राजा ने कहा था ये आदमी से, नहीं आदमी ने राजा से कहा था कि आपके महल में एक दीपक जल रहा था। घावाला है, हुजूर से कहना कि खिचड़ी पका रहा हूँ। ये बीरबल ने नौकर से कहा, नौकर जब देखने गया तो उन्होंने बोला था, तुमने बड़ी कुशलता से हमारी गलती का एहसास करा दिया। तो ये राजा ने बीरबल से कहा था, इस पर लिखा नहीं हुआ है, आप चाहें तो लिख लें या इसको फिर छोड़ देना, ये छूट गया है। तो अब आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बीरबल क्यों प्रसिद्ध थे। आंसर है बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। खवाला है, अकबर को उस आदमी की बात पर विश्वास क्यों नहीं हुआ। उत्तर है क्योंकि सर्दी की रातें बहुत ठंडी होती हैं और पानी में खड़े रहना बहुत कठिन होता है, इसीलिए राजा को
या अकबर को उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। गा वाला प्रश्न है, अकबर ने उस आदमी को इनाम क्यों नहीं दिया? उत्तर है, अकबर के अनुसार उस आदमी को दिए से गर्मी मिल रही थी, इसलिए इनाम नहीं दिया। उसके अनुसार यानी राजा के अनुसार, अकबर के अनुसार, क्योंकि अकबर को क्या लग रहा था, उस आदमी ने बोला कि आपके महल में दिया जल रहा था, तो अकबर ने क्या बोला कि अच्छा तो मेरे को मूर्ख बना रहा है, आँखों में धूल झोंक रहे हो, तो मैं उसी से गर्मी मिल रही थी, अच्छा दिए इसलिए तुम खड़े रहे, अब आप यहाँ से जाओ। यानी कि अकबर के अनुसार उस आदमी को दिए की लौ से जो है गर्मी मिल रही थी। हमको ये उत्तर हो गया। घा वाला है, बीरबल ने क्या निश्चय किया? उत्तर है, बीरबल ने उस आदमी को न्याय दिलाने का निश्चय किया। लास्ट है, जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुँचे तो क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि तीन लंबे खम्भों के बीच बहुत ऊंचाई पर हांडी टंगी है और ज़मीन पर थोड़ी सी आग जली हुई है। यही उन्होंने देखा था राजा साहब ने। अब यहाँ मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको मुहावरे कहते हैं, धज्जी उड़ाना, डींग मारना, आँखों में धूल झोंकना, मुंह उतरना और दाद देना। तो इनको हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द आए। तो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, तो धज्जियाँ उड़ाना, धज्जी माना जैसे कोई कपड़ा होता है तो उसे धज्जियाँ करते हैं ना, टुकड़े टुकड़े करना, तो धज्जियाँ हो जाती हैं, कहते हैं ये धज्जियाँ। तो धज्जी उड़ाना यानी टुकड़े टुकड़े करना, इसका प्रयोग करेंगे। राम ने विरोधियों की धज्जियाँ उड़ा दी। डींग मारना यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, उसका है राजू डींगे मारता है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करता है। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना, चोरों ने पुलिस की आँखों में धूल झोंक दी। मुंह उतरना यानी कि उदास होना, काम के बोझ से बहू का मुंह उतर गया, जिस तरह से इस पाठ में बताया उस आदमी का मुंह उतर गया, क्योंकि वो बड़े ही भरोसे के साथ गया था कि मुझे 100 मोहरें इनाम मिलेंगी, पानी में खड़ा रहा रात भर, लेकिन जब राजा ने उसे कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तो उसका मुँह उतर गया। दाद देना, प्रशंसा करना, झांसी की रानी के साहस की अंग्रेज भी दाद देते थे। ये हमारा पाठ पूरा हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये पूरा पढ़ना है और याद भी करना है, लिख लिख करके देखना है। आई होप आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू।